Hello friends, I'm Riyaz and you're watching my YouTube channel Riyaz English Classes. Guys, in this video I'm going to tell you 5 advanced English structures which is going to be helpful in your daily life. दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ 5 advanced English structures शेयर करूंगा जो आपकी daily life में काफी काम आएंगे. So make sure you watch this video till the end and if you haven't subscribed my channel yet then subscribe it right now and click on the bell icon so that you never miss any update from me. So let's begin. दोस्तों इसमें सबसे पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आता है ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर या सब मिलाकर. आइए एग्जांपल से समझते हैं. कुल मिलाकर मैंने 1000 रुपए खर्च किए. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं आइए देखते हैं. ऑल इन ऑल आई स्पेंड 1000 रुपीज. प्लीज कुल मिलाकर मैंने 1000 रुपए खर्च किए. ऑल इन ऑल आई स्पेंड 1000 रुपीज. तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस को. आइए देखते हैं सेकंड इंग्लिश स्ट्रक्चर कौन सा है. सेकंड है स्टे पुट. स्टे पुट का मतलब होता है अपनी जगह पर ही रहना, अपनी जगह से ना हिलना, जहाँ पर हो वहीं पर रहना. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. जहाँ पर हो वहीं रहो, मैं 1 मिनट में आया. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं आइए देखते हैं. स्टे पुट आई विल बी देयर इन अ मिनट. जहां पर हो वहीं रहो, मैं 1 मिनट में आया. स्टे पुट आई विल बी देयर इन अ मिनट. तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस को. आइए देखते हैं थर्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर कौन सा है. थर्ड है फ्रॉम समवन्स एंड. इसका मतलब होता है किसी की तरफ से. आइए एग्जांपल से समझते हैं. मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं आइए देखते हैं. I did not do anything from किसकी तरफ से. मेरी तरफ से, अपनी तरफ से. from my end मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया. I did not do anything from my end. तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस को. आइए देखते हैं फोर्थ पे कौन सा है. फोर्थ पर जो है वह एक इंग्लिश स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक स्टेट है, एक हालत है. इनएब्रिएटेड का क्या मतलब होता है. इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में चूर होना. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. वो नशे में चूर था. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं आइए देखते हैं. ही वॉज इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट यानी कि नशे की हालत में, नशे में चूर. वो नशे में चूर था. ही वॉज इन एन इनएब्रिएटेड स्टेट. तो ये था इनएब्रिएटेड का मीनिंग और इसका सेंटेंस में यूसेज. आइए देखते हैं फिफ्थ इंग्लिश स्ट्रक्चर कौन सा है. फिफ्थ है एंड व्हाट्स मोर. इसका क्या मतलब होता है. इसका मतलब होता है और तो और या फिर इसके अलावा. आइए एग्जांपल से समझते हैं. उसके पास एक बाइक है और तो और एक गाड़ी भी है. इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोल सकते हैं आइए देखते हैं. ही हैज अ बाइक एंड What's more, a car as well. उसके पास एक बाइक है और तो एक गाड़ी भी है. ही हैज अ बाइक एंड व्हाट्स मोर अ कार एज वेल. तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह के इंग्लिश सेंटेंस को जहां पर आपको यूज करना हो और तो और या फिर इसके अलावा. एंड व्हाट्स मोर, और तो और इसके अलावा. दोस्तों ये थे वो 5 ऐसे इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. बाय.